हम लोग कर रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट डीके गोयल जो हमारी अकाउंटेंसी की बुक है उसके पेज नंबर 13.115 तक पेज नंबर 13.115 पे क्वेश्चन नंबर 22 कल हम लोगों ने सॉल्व किया था पूरा क्वेश्चन नंबर 22 तक हम लोग कर चुके हैं इससे जुड़े सारे लिंक और डिस्क्रिप्शन जितना भी लिंक है इसका वीडियोस का वो सब मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप प्लेलिस्ट से भी जा कर के देख सकते हैं अभी हम लोग कर रहे हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और उसमें आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर और ट्वेंटी फाइव थोड़ा अभी तक जितने हम लोगों ने क्वेश्चन करे हैं उससे थोड़ा डिफरेंट है ये और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ठीक है तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री से हम लोग स्टार्ट करते हैं From the following information, calculate cash flow from investing activities of X Limited Particulars or saal ka diya hua hai. non-current investments 8 lakhs 10 lakhs, fixed assets 15 lakhs, 18 lakhs 20,000. Additional information half of non-current investment held in the beginning of the year was sold at 15% profit. Depreciation on fixed assets was 1,60,000 for the year. इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट फिफ्टी थाउजेंड डिविडेंड रिसीव्ड ऑन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ट्वेंटी थाउजेंड ठीक है उसके बाद हम लोगों को बताया है रेंट रिसीव्ड ट्वेंटी फाइव थाउजेंड अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे आइए मैं आप लोगों को बता देता हूँ देखिए ऑलरेडी टाइम को सेव करने के लिए मैंने पहले से सॉल्व करा हुआ है सबसे पहले हमको नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में ये पता लगाना है कि हमने कितना इन्वेस्टमेंट परचेज किया है तो उसके लिए हम लोगों को एक अकाउंट बनाना पड़ेगा जो कि है हमारा नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट इधर हमारा डेबिट साइड होगा इधर हमारा क्रेडिट साइड होगा ये असेट अकाउंट के ही तरह होगा कि जो भी चीज़ असेट को बढ़ाएगी वो डेबिट साइड चली जाएगी और जो भी चीज़ असेट को घटाती है वो क्रेडिट साइड चली जाएगी सबसे पहले हमको क्वेश्चन में ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है अगर आप क्वेश्चन देखिए तो उसमें आपको ओपनिंग बैलेंस आठ लाख रुपए और क्लोजिंग बैलेंस टेन लाख रुपीस दिया हुआ है फिर आपको ये बताया गया है कि जो असेट बिका है ठीक है उसको आपको देखना पड़ेगा ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि आपने कितना इन्वेस्टमेंट कितने का बेचा है क्वेश्चन अगर आप देखते हैं तो क्वेश्चन कहता है हाफ ऑफ द नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट हेल्ड इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर व सोल्ड एट अ सोल्ड एट फिफ्टीन परसेंट प्रॉफिट अब सबसे पहली चीज़ हाफ तो साल के शुरुआत में आठ लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट था जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो एट लैक्स का हाफ़ फोर लैख्स हो गया और फोर लैक्स का फिफ्टीन परसेंट सिक्सटी थाउजेंड हो गया तो ये बेचा गया फोर लैख सिक्सटी थाउजेंड पर तो हम इसे सेल दिखाएंगे टू बाय बैंक सेल है हमारा फोर लैख सिक्सटी थाउजेंड का अब जाहिर सी बात है कि चार लाख रुपए की चीज़ चार लाख साठ हज़ार में बेची गई तो साठ हज़ार का आपको प्रॉफिट हो जा रहा है तो उसको हम दिखा देंगे टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट सिक्सटी थाउजेंड फिर क्लोजिंग हम ऑलरेडी लिख चुके हैं तो जो दोनों साइड का डिफरेंस हमारा आएगा वो आएगा सिक्स लैक्स ,00 रुपीज़ ये जो सिक्स लैक्स ,00 आपका आ रहा है ये आपका परचेज़ आपने साल भर में इन्वेस्टमेंट परचेज किया है ध्यान रखिएगा साल भर में परचे इन्वेस्टमेंट परचेज हुआ है आपका उसके बाद आप एक फिक्स्ड असेट अकाउंट बना लेंगे फिक्स्ड फिक्सडेट अकाउंट किस तरह से बनेगा ये मैंने बताया हुआ है पूरा डेबिट साइड क्रेडिट साइड ओपनिंग बैलेंस आपको पंद्रह लाख रुपए क्वेश्चन में दिया है क्लोजिंग बैलेंस अट्ठारह लाख बीस हज़ार दिया हुआ है डेप्रिसिएशन सा सीधा सीधा बताया क्वेश्चन में कि वन लाख सिक्सटी थाउजेंड है आप इधर शो कर देंगे और दोनों साइड का जब आप डिफरेंस निकालेंगे तो फोर लाख एट्टी थाउजेंड आपका आ जाएगा इधर कम पड़ रहा है तो इसका मतलब क्या है ये आपका इधर आप परचेज हो रहा है टू बैंक ये परचेजेज है फोर लाख एट्टी थाउजेंड नेक्स्ट इसके बाद आप क्या करोगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है ना अब इसको आपको एक एक छोटा सा इस तरीके से बनाना पड़ेगा सबसे जितना पैसा आया कम्पेयर टू जितना पैसा गया रिलेटेड टू ऑल इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ तो सबसे पहले प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ़ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स आपने बेचा सेल ऑफ़ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट तो आपके पास पैसा आया चार लाख साठ हज़ार फिर आपने छः लाख का नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट ख़रीद लिया तभी आपने उसको ब्रैकेट में दिखाया फिर आपने चार लाख अस्सी हज़ार का परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स करा है ये भी कैलकुलेट करके निकाला है अब क्वेश्चन में आपको बताया है अलग से कि इंटरेस्ट मिल रहा है आपको पचास हजार रुपये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स पे ठीक है और उसके बाद डिविडेंड भी आपको रिसीव हो रहा है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट पे ये सब पैसा आ रहा है और पच्चीस हजार रुपये रेंट आपको मिल गया तो ये पैसे आए हैं ये पैसे गए हैं जब आप कंपेयर करेंगे तो फाइव लैक्स ट्वेंटी फाइव थाउजेंड निकल करके आ जाएगा नेट कैश डिफरेंस in क्या था कि अभी तक आपको प्लांट एंड मशीनरी का एक अकाउंट बनाकर आप इस तरीके क्वेश्चन सोल्व करते थे लेकिन यहां पर दो अलग अलग असट हो गए थे आपके पास एक नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और दूसरा आपका प्लांट एंड मशीनरी फिक्स असेट जिसको हम कह रहे हैं यहां पर फिक्स असेट्स के बेसिस पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर कहता है द बैलेंस इन प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट एंड accumulated depreciation अकाउंट ऑन मार्च थर्टी फर्स्ट टू थाउजेंड फिफ्टीन एंड टू थाउजेंड सिक्सटीन टू डे फॉलो देखिए दो दिया है यहां पे थर्टी टू थाउजेंड फिफ्टीन का है टू थाउजेंड सिक्सटीन का अगर आपकी बुक में और मेरी बुक के क्वेश्चन कुछ डिफर कर रहे हैं मतलब आगे पीछे हैं इस तरह क्वेश्चन नंबर तो परेशान नहीं होइए थोड़ा सा आप टैली करेंगे तो आपको सेम क्वेश्चन मिल जाएगा तो प्लांट एंड मशीनरी फोर्टी एट लैक्स यहाँ पे है सिक्सटी फाइव लैक्स फोर्टी थाउजेंड अक्यूबलेटड डेप्रसीशन फोर्टीन लैक्स फाइव थाउजेंड ट्वेंटी टू लैक्स टेन थाउजेंड प्लान मशीनरी कॉस्टिंग ट्वेल्व लैक्स एट्टी थाउजेंड अक्यूबलेट डिप्रिसिएशन देर ऑन फाइव लैक थर्टी थाउजेंड वॉज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ टू लैक्स सिक्सटी थाउजेंड अब इसमें दो तीन चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी है कंप्यूट अमाउंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी परचेज पहले पता लगाना है सोल्ड कितना बिका depreciation, साल भर पे कितना चार्ज किया हाउ ईच ऑफ द आइटम रिलेटेड टू प्लांट एंड मशीनरी विल बी रिपोर्टेड इन द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो किस तरीके से हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में इसको शो करेंगे ठीक है रिपोर्टेड मतलब हमको कैश फ्लो इसमें कैलकुलेट नहीं करना है हमको इसमें किस तरह से शो करा जाएगा ये देखना है तो चलिए सबसे पहली चीज़ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर में कैलकुलेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी सोल्ड कितने का आप बेच रहे हो ये पता कर लेते हैं स्क्रिबलिंग इग्नोर कर दीजिएगा कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी सोल्ड हमारा बारह लाख अस्सी हजार है यहाँ हमारा ठीक है ट्वेल्व लैक्स एट्टी थाउजेंड हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में दिया है कॉस्टिंग दिया है ठीक है प्लांट एंड मशीनरी कॉस्टिंग ट्वेल्व लैख एट्टी थाउजेंड लिखा हुआ है उसके बाद उस पर अक्यूमिलेटेड डेप्रिसिएशन आप उसमें से क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए फाइव लाख थर्टी थाउजेंड आप माइनस करेंगे ठीक है तो रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ मशीनरी आपकी सेवन लाख फिफ्टी थाउजेंड आ जाएगी तो सात लाख पचास हज़ार आपकी रिटन डाउन वैल्यू है फिर क्वेश्चन में ये बताया हुआ है कि लॉस जो हुआ था जब आपने बेचा था तो दो लाख साठ हज़ार का लॉस था तो ये दो लाख साठ हज़ार भी आप क्या करोगे उसमें से लेस कर दोगे तो जब आप लेस करोगे तो चार लाख नब्बे हजार आएगा दिस इज सेल प्रोसीड्स ऑफ मशीनरी बेचने से ये पैसा इतना हुआ है अब हमें करना क्या है कैलकुलेशन ऑफ प्लांट एंड प्लांट एंड मशीनरी परचेज बनाना है यह कैसे बनेगा देखिए यहां पे आपको प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाना पड़ेगा इसके लिए मैं प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट ऑब्वियसली जो डेबिट साइड का हमारा बैलेंस आता है उतने ही कि हम नई मशीनरी परचेज कर रहे होते हैं तो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस हम लोगों को दिया हुआ है 48,000 एट सॉरी 48 एट लैक्स दिया, uh, दिया है और यहाँ पे 65 फाइव लैक्स फोर्टी क्वेश्चन में एकदम साफ साफ से दिया हुआ है चार लाख नब्बे हज़ार का हमने बेचा है पाँच लाख तीस हज़ार का डेप्रिसिएशन है ठीक है और दो लाख साठ हज़ार का हमको लॉस हो गया तो ये तो हमको सारी चीज़ें पता थी हमने बस वैल्यू सब्सटीट्यूट करी या वैल्यू पोस्ट करी हम कहेंगे ये सब वैल्यूज़ हमने पोस्ट कर दी और जो डिफरेंस निकला थर्टी थाउज थर्टी लैक्स ट्वेंटी थाउजेंड ये हमारा क्या आ गया टू बैंक ये है हमारा परचेज़ ऑफ मशीनरी ठीक है बैलेंसिंग फिगर है ये और ये क्योंकि ये तो ऑलरेडी पहले से दिया रहता है तो ये हमारा बैलेंसिंग फिगर है और इसी से हमने यही पार्ट हमारी मशीनरी परचेज हुई है तो एक चीज तो हमने कैलकुलेट कर ली कि मशीनरी परचेज हमारी थर्टी लैक्स ट्वेंटी है नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ करंट ईयरस डेप्रिसिएशन अक्यूबुलटेड डेप्रिसिएशन ठीक है हमको निकालना होगा इसका हमें ऑब्वियसली अक्यूबलेटेड डेप्रिसिएशन के बैलेंस हमें दिए हुए हैं तो हमको सबसे पहले इसमें आप देखिए किस तरीके से किया जाएगा अक्यूबलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड आता है तो फोर्टीन लैक्स फाइव थाउजेंड और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड आएगा ट्वेंटी टू लैक्स टेन थाउजेंड उसके बाद हमारा क्या है दो तीन चीज़ें हम लोगों को इसमें करना पड़ेगा पाँच लाख तीस हज़ार हमारा ऑलरेडी दिया हुआ है डेप्रिसिएशन टू प्लांट एंड मशीनरी ट्रांसफर ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन सोल्ड प्लांट एंड मशीनरी पाँच लाख तीस हज़ार तो इन दोनों साइड का ऑब्वियसली जो डिफरेंस होगा वो स्टेट बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस निकल के आएगा बैलेंसिंग फिगर बीइंग करंट ईयर्स डेप्रिसिएशन और ये हमारा करंट ईयर्स डेप्रिसिएशन तेरह लाख पैंतीस हजार निकल आएगा अब इसको हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट में शो कैसे करना है कैश फ्लो स्टेटमेंट में ये शो इस तरीके से करा जाएगा यहां पर है कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग थर्टी मार्च टू कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज अब देखिए अभी तक आप लोगों ने ये नहीं देखा है कि मतलब यही क्वेश्चन या तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के क्वेश्चन थे या इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के क्वेश्चन थे अभी यहां पे दोनों हो रहा है ऑपरेटिंग भी है इन्वेस्टिंग भी है तो ऑपरेटिंग में आप किस तरह से उसको शो कर देंगे यहाँ पे लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स डिप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इधर से ये शो कर दिया डबल लाइन कर दिया कुछ नहीं करना है उसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी आप इस तरीके से शो कर देंगे और ये नेगेटिव साइन के लिए मतलब माइनस के लिए उसको दोनों साइड ब्रैकेट में कर दोगे ये आपको एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है जिसमें कि आप दोनों चीज़ों को इंक्लूड कर रहे हो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ को नेक्स्ट इसके बाद हम क्या करेंगे नेक्स्ट <coughs> क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव हम लोग क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव ही तक करेंगे क्योंकि वीडियो की लेंथ भी मुझे ध्यान में रखनी होती है तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव लेता हूं आज फिर इसके आगे के जो क्वेश्चन रिलेटेड है वो कल मैं बता दूंगा फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज प्लांट एंड मशीनरी एट कॉस्ट एट लैक सेवन लैख सिक्सटी थाउजेंड ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया है अक्यूमिलेटेड डिप्रिसिएशन पेटेंट्स थ्री लैख ट्वेंटी थाउजेंड टू लैख टेन थाउजेंड गुडविल वन लाख फिफ्टी वन लाख ट्वेंटी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है डिप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी एट्टी थाउजेंड मशीन हैविंग अ बुक वैल्यू ऑफ वन लैखी थाउजेंड वोल्ड फॉर वन लैख फिफ्टी थाउजेंड पेटेंट्स है बुक वैल्यू ऑफ सिक्स व सोल्ड फॉर फोर्टी फाइव थाउजेंड करेंगे कैसे इसको आइए दिखाता हूँ मैं देखिए अभी इसमें वैसे चलिए मैं आप लोगों को पहले ये बता देता हूं ये इतना सा सोल्यूशन सिर्फ ये है इसके आगे की अगर क्वेश्चन में बोलता है तो वो सब आपको दिखाना पड़ेगा क्वेश्चन सोलूशन में वरना जितनी भी चीज़ें इसके अलावा है वो सब वर्किंग नोट्स में जाएगा ये फिगर्स आए कैसे ये मैं भी आप लोगों को बताता हूँ पहले आप इसे देख लीजिए सेल ऑफ़ मशीनरी वन लाख फिफ्टी थाउजेंड परचेज ऑफ मशीनरी वन लाख थर्टी फाइव थाउजेंड नेगेटिव क्योंकि पैसा जा रहा है आपके पास से सेल ऑफ प्लांट फोर्टी फाइव थाउजेंड नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी सिक्सटी थाउजेंड अब आगे की चीज़ समझ लीजिए कैसे हो रहा है क्या हो रहा है देखिए अक्यूमिलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे हम लोग सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा टू लैख सेवेंटी थाउजेंड और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड पे हम लिख देते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं जाहिर सी बात है जो इस साल का डेप्रिसिएशन एट्टी है वो हम शो कर देते हैं जैसे डेप्रिसिएशन अकाउंट आप लोगों ने क्लास इलेवंथ में बनाया है तो डिफरेंस हमारा थर्टी फाइव थाउजेंड निकल करके आ जाता है ठीक है ये आपका थर्टी इज द डिफरेंस अब थर्टी फाइव आने के बाद ये नोट करके रखिएगा बैलेंसिंग फिगर ऑफ अक्यूमिलिटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट थर्टी फाइव थाउजेंड रिप्रेजेंट दूमिलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी सोल्ड जो बिकी हुई है इट इज ट्रांसफर टू द क्रेडिट साइड ऑफ प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट ठीक है जाहिर सी बात है उसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे हम प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट के किस साइड ट्रांसफर करेंगे क्रेडिट साइड प्लान्ट मशीनरी अकाउंट के दो बैलेंसेस दिए हैं ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस दिया है हमको ये बताया है कि प्लान मशीनरी जो बिकी है वो एक लाख पचास हज़ार की बिकी है तो एक लाख पचास हज़ार की बिकी है अब वैल्यू कितनी थी मशीनरी की पहले आपको ये देखना पड़ेगा उसमें से अब आप देखिए क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है अगर आप क्वेश्चन चेक करेंगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन अगर आप चेक कर रहे हैं तो वैल्यू है मशीनरी की एक बेचा कितने में एक लाग, एक लाख पचास हज़ार में डिप्रिसिएशन के बारे में हमें नहीं मालूम था तो अगर हम ये देख लेते हैं तो इसमें आप देखिए प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी वन लाख फिफ्टी थाउजेंड ऑबियसली बाई प्रॉफिट निकालने के लिए आपने जितने में बेचा और जितने की डिफरेंस निकाल के दस हज़ार आ गया और यहाँ पे वन लाख थर्टी फाइव थाउजेंड ये आपका बैलेंसिंग फिगर बीइंग परचेज एक लाख पैंतीस हजार की आपने मशीनरी को खरीद लिया पेटेंट्स उसके बाद एक पेटेंट अकाउंट आपका बनेगा तो पेटेंट अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस लिख दिया फिर उसके बाद आपने क्या करा बाय बैंक जो सेल हुई है फोर्टी फाइव थाउजेंड की लॉस ऑन सेल फिर उसके बाद ये आपका बैलेंसिंग फिगर पचास हज़ार आ जाएगा ये क्या है बाई स्टेटमेंट ऑफ पीएल बैलेंसिंग फिगर बीइंग पेटेंट रिटर्न ऑफ फिफ्टी थाउजेंड ठीक है तो इसी के बेसिस पे आपने वो जो हमने स्टार्टिंग में दिखाया हुआ है सेल ऑफ़ प्लांट एंड मशीन मतलब कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी याद रखिएगा ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का ही है तो इसमें सेल ऑफ़ मशीनरी परचेज ऑफ मशीनरी सेल ऑफ प्लांट ही जाएगा और कोई चीज़ इसके अलावा इसमें नहीं जाएगी ठीक है तो आज हम लोगों ने कवर कर लिया है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव तक इसके आगे जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के वो मैं कल कंप्लीट करा दूंगा आप लोगों को और फिर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज एंड रेस्ट मेरे ख्याल से आज की डे दे, आज डेट है थर्ड तो समवेयर बाय टेंथ या एलेवेंथ या ट्वेल्थ हम लोग पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे आई डोंट वॉन्ट टू रश मैं बहुत जल्दी करा के बस ऐसा नहीं कि हाँ बस कंप्लीट हो जाए तो एक ही वीडियो में मैं सारी चीज़ करा दूँ ऐसा नहीं है आपको मैं जब एक एक चीज डिटेल में अच्छे से करा रहा हूं तो मैं अच्छी तरीके से करा के कंप्लीट कराऊंगा सो दैट्स इट फॉर टुडे कीप वॉचिंग कीप लर्निंग कीप शेयरिंग स्टे सेफ बाय बाय